हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में फाइलोरे कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। फाइलोरे कैप्सूल का मेनली यूज अस्थमा की समस्या दूर करने में किया जाता है। वेल फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से जुड़े वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोफार लाइफ साइंस कंपनी की ये 10 कैप्सूल की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 90 रुपये में मिल जाएंगी। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। बात करते इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट के बारे में। फाइलोरे कैप्सूल में एसिबोफ्राइलिन 100 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। बात करते हैं इस कैप्सूल की यूजर्स के बारे में, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस कैप्सूल का मेनली यूज अस्थमा की समस्या दूर करने में किया जाता है। इसे COPD की समस्या दूर करने में भी डॉक्टर यूज करते हैं। COPD मतलब कॉर्नियक एब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। यह एक फेफड़ों से संबंधित समस्या होती है जिसमें रोगी को सांस लेने में परेशानी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे दमा खांसी की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस कैप्सूल के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस कैप्सूल का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इस कैप्सूल के डोसेज के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस कैप्सूल का डोज उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये कैप्सूल दिन में 2 बार, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार खाना खाने के बाद अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस कैप्सूल के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। अगर आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपको मितली, उल्टी, सिर दर्द, अपचन, बेचैनी, पेट खराब होना ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस कैप्सूल के यूज करते समय सावधानियां। अगर आप पहले से कोई अन्य मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस कैप्सूल का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।